स्टूडेंट्स वेलकम अगेन इन द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ बीए पार्ट फर्स्ट ईयर इंग्लिश लिटरेचर स्टार्टेड बाय आवर ओन कॉलेज श्रीमती रामकुमारी पीजी महिला महाविद्यालय। बेटा मैंने पहले आपको एक पोएम शुरू करवाई थी ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ऑन हिज ब्लाइंडनेस रिटन बाय जॉन मिल्टन। जॉन ठीक है, जॉन मिल्टन, जॉन मिल्टन ओके। इसका मैंने आपको बताया था फर्स्ट एंड जब व्हेन आई कंसीडर हाउ माय लाइफ इज स्पेंट हियर हाफ माय डेज इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड एंड दैट वन टैलेंट व्हिच इज डेथ टू हाइड लॉस्ट विद मी यूजलेस दो माई सोल मोर बेट। यानी इस वाले स्टेंजा में मैंने बताया था जो जॉन मिल्टन है वो पूर्ण रूप से अंधा हो चुका था एट द एज ऑफ 44 ईयर्स। 44 ईयर्स ठीक है, यानी 44 साल की एज में वो पूर्ण रूप से अंधा हो गया था और अंधा होने के बाद में ही उसने डिसाइड किया कि मुझे अच्छी कविताएं लिखनी चाहिए। क्यों ऐसा विचार उसके दिमाग में क्यों आया? इसलिए आया क्योंकि उसने सोचा कि भगवान ने मुझे जो गिफ्ट दिया था, गॉड गिफ्टेड था वो पोइट्री लिखने में, तो भगवान ने जो मुझे गिफ्ट दिया उसका मैंने यूज नहीं किया, है ना, उसे रिग्रेट होता है, इस चीज का पश्चाताप होने लग जाता है। तो तब वो डिसाइड करता है कि मैं भगवान के समक्ष अच्छी अच्छी कविताएं लिखूंगा। तो उसने अपनी पोएम का नाम ऑन हिज ब्लाइंडनेस ही दे दिया क्योंकि पूर्ण रूप से अंधा हो गया था। मैंने बताया था कि वो उसे धीरे धीरे दिखना कम हो गया था लेकिन 44 साल की एज में तो वो पूर्ण रूप से अंधा हो गया था। और उसकी नेक्स्ट पोएम आएगी हमारे ऑन हिज 23rd बर्थडे, ठीक है ना, ये भी जॉन मिल्टन की लिखी हुई है। तो इस पहले वाले स्टेंजा में उसने बताया कि व्हेन आई कंसीडर, जब मैंने सोचा हाउ माय लाइट इज स्पेंट, कि किस प्रकार से मेरे देखने की रोशनी खत्म हो गई है, कब खत्म हो गई है, उससे पहले कि मैंने आधा ही जीवन नहीं जिया, ठीक है। और उसने ये भी बताया कि जो संसार है वो बहुत लंबा चौड़ा और विस्तृत है, इस लंबे चौड़े विस्तृत संसार में, ठीक है, मैं अंधा हो गया हूँ, अब मैं क्या करूँगा, मुझे भगवान के समक्ष अच्छी अच्छी कविताएँ लिखनी चाहिए थी। और फिर वो ये भी कहता है कि भगवान ने मुझे एक टैलेंट दिया था, है ना, एक योग्यता दी थी, उस योग्यता का ही मैंने इस्तेमाल नहीं किया, मैं यूजलेस हूँ, मैं बेकार हूँ, मैंने भगवान के समक्ष कोई अच्छी कविताएं नहीं लिखी। और उसने लास्ट में कहा लॉस्ट विद मी यूजलेस, मुझे कैसा रखा गया है, मैं कैसा हो गया हूँ, यूजलेस बेकार हो गया हूँ। हालांकि लो का मतलब होता है हालांकि उसकी जो आत्मा थी वो पश्चाताप से भर गई थी, उसे रिग्रेट हो रहा था कि उसने कोई भी अच्छी कविताएं भगवान के समक्ष नहीं लिखी। अब हम सेकंड स्टेंजा कर रहे हैं जो कि है टू सर्व देयर विद। मैं लिख देती हूँ आपका सेकंड स्टेंजा यहाँ पे ताकि आप ढंग से इसको देखो, इनके पास में बुक नहीं है। टू सर्व देयर विद, टू सर देयर विद, देयर विद, देयर विद, टू सर देयर विद
माई मेकर, माई मेकर एंड प्रेजेंट, एंड प्रेजेंट. ओके, सेकेंड लाइन, माई ट्रू अकाउंट, माई ट्रू अकाउंट, माई ट्रू अकाउंट. ओके, माई ट्रू अकाउंट लिस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, लिस्ट ही रिटर्निंग, रिटर्निंग चाइल्ड, चाइल्ड लिस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड. थर्ड लाइन, डट बोर्ड, डट बोर्ड, डट बोर्ड एग्जैक्ट डे लेबर, एग्जैक्ट डे लेबर, एग्जैक्ट डे लेबर. ओके, एग्जैक्ट डे लेबर. लाइट डिनाइड, लाइट डिनाइड, लाइट डिनाइड. ओके, लाइट डिनाइड. आई फॉन्डली आस्क, आई फॉन्डली आस्क, आई फॉन्डली आस्क. ओके, बट पेशेंट टू प्रिवेंट, बट पेशेंस टू प्रिवेंट, टू प्रिवेंट, टू प्रिवेंट. ठीक है, दिस इज द सेकेंड स्टैंजा ऑफ योर पोयम ऑन हिज ब्लाइंडनेस. ये आपका सेकेंड स्टैंजा है. अब हम पहले इसमें हार्ड वर्ड्स करते हैं. टू सर्व, सर्व का मतलब होता है अपनी सेवाएं देना, सेवाएं. ठीक है, सर्व का मतलब हो गया सेवाएं, सेवाएं देना. देयर विद माई मेकर, माई मतलब मेरा, मेकर यहां है बोर्ड से, भगवान से लिया है. एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, ट्रू अकाउंट का मतलब होता है अकाउंट, लेखा जोखा, लेखा जोखा. ठीक है, लिस्ट, लिस्ट यानी कम से कम, कम से कम लिस्ट. ही रिटर्निंग, रिटर्निंग यानी वापसी, वापसी. ठीक है, वापसी. चाइल्ड का मतलब होता है डांटना, फटकारना. चाइल्ड का मतलब होता है डांटना, डांटना. ओके, थर्ड लाइन, डट बोर्ड एग्जैक्ट डे लेबर्स, लाइट डिनाइड. डट, डट का मतलब होता है डज, डट का मतलब होता है डज. बोर्ड एग्जैक्ट डे लेबर, लाइट डिनाइड. लेबर यानी जो हमने मेहनत की है, जो काम किया है, जो भगवान का दिया हुआ है. डिनाइड यानी मना करना, डिनाइड का मतलब होता है मना करना, मना करना, डिनाइड. ओके, नेक्स्ट है, आई फॉन्डली आस्क बट पेशेंस, पेशेंस का मतलब होता है धैर्य, पेशेंस का मतलब होता है धैर्य. टू प्रिवेंट, प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना, बचाव करना.
रोकना, ठीक है। अब आते हैं इसे एक्सप्लेन करते हैं। टू सर देयर विद माई मेकर एंड प्रेजेंट। उसने कहा टू सर देयर विद, सर का मतलब होता है मैंने बताया सेवाएं देना, है ना। किसी के समक्ष जब हम कोई काम करते हैं, अपनी सेवा देते हैं किसी को। माई मेकर लिया उसने, अपने भगवान से लिया है। एंड प्रेजेंट कह रहा है जब मैं भगवान के पास वापस लौट के जाऊंगा, ठीक है, जब मैं भगवान के पास में वापस लौट के जाऊंगा तो अपनी सेवाएं क्या दूंगा, यानी वहां पे जब मैं अपने भगवान के सामने प्रेजेंट होऊंगा, उपस्थित होऊंगा। प्रेजेंट का मतलब क्या है, उपस्थित होना, उपस्थित होना, ठीक है। उसने कहा जब मैं लौट के, देखो हर व्यक्ति लौट कर यानी मृत्यु के बाद में भगवान के समक्ष उपस्थित होता है, ठीक है। तो उसने कहा कि जब मेरी मृत्यु हो जाएगी, मैं भगवान के समक्ष सामने लौट के जाऊंगा, तो अपनी क्या सेवाएं उन्हें प्रदान करूंगा, क्योंकि मैंने जो उन्होंने मुझे गॉड गिफ्टेड जो गिफ्ट दिया था उसका मैंने सही ढंग से इस्तेमाल नहीं किया, तो मैं कैसे दिखाऊंगा भगवान को कि उनका दिया हुआ काम मैंने सही ढंग से किया है। क्योंकि देखिए इसके बाद में मैं बताऊंगी आपको कि हर व्यक्ति को भगवान कोई ना कोई काम के लिए इस संसार में भेजता है, जैसे आपको पढ़ने के लिए, हमें पढ़ाने के लिए, कोई मजदूर है उसको बेचारे को काम करने के लिए, है ना, कोई अपना बिजनेस कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो सभी को किसी ना किसी काम के लिए भेजा गया है, ठीक है। तो वो कह रहा है जब मैं वापस लौट के जाऊंगा तो भगवान के समक्ष क्या अपनी सेवाएं प्रदान करूंगा, क्या दिखाऊंगा कि मैंने आपका दिया हुआ काम सही समय पर सही ढंग से किया है, ठीक है। माई ट्रू, ट्रू मतलब सही, माई ट्रू अकाउंट, अकाउंट का मतलब होता है लेखा जोखा, हिसाब किताब जिसको हम बोलते हैं, ठीक है ना। मैं अपना कैसे भगवान के सामने लेखा जोखा दिखाऊंगा, अपना हिसाब दिखाऊंगा, है ना, क्या कहूंगा मैं भगवान को कि मैंने क्यों कविताएं आपके समक्ष अच्छी अच्छी नहीं लिखी, है ना। तो वो कह रहा है कि जब मैं लौट के जाऊंगा भगवान के सामने तो मैं कैसे अपनी सेवाएं उन्हें प्रदान करूंगा, ठीक है। लिस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, लिस्ट कम से कम, ही मतलब गॉड, सॉरी ही आया हिमसेल्फ के लिए, रिटर्निंग चाइल्ड, जब मैं लौट के जाऊंगा तो भगवान मुझे डांटेंगे फटकारेंगे। देखो मैंने आपको बताया था कि ये सोनेट पोएम है, क्या है ये सोनेट पोएम है, क्योंकि आपके फर्स्ट ईयर में सारी लगभग सोनेट पोएम्स हैं, मैंने ये बताया था, ये भी है। तो देखो यहाँ तक तो वो क्या है अपना ऑक्टेव पार्ट चल रहा है, कौन सा पार्ट चल रहा है ऑक्टेव, ठीक है, लास्ट में फिर लिख दूंगी सारा, क्योंकि वो कह रहा है कि मैं जब लौट के जाऊंगा तो भगवान मुझे डांटेंगे फटकारेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है डट, डट का मतलब होता है डज, क्या गॉड, गॉड यानी भगवान, एग्जैक्ट यानी चाहते हैं, डे लेबर नाइट डिनाइड, डिनाइड यानी मना करना, लेकिन देखो दूसरे क्षण वो अपने इस व्यू को, इस विचार को त्याग देता है। कौन से विचार को त्याग देता है, क्योंकि उसके दिमाग में अभी ये विचार आ रहा था कि जब मैं भगवान के समक्ष लौट के जाऊंगा तो वो मुझे डांटेंगे फटकारेंगे। क्यों डांटेंगे फटकारेंगे, वो ये सोच रहा है इसलिए डांटेंगे फटकारेंगे क्योंकि मैंने उनके समक्ष कोई अच्छी कविता नहीं लिखी। लेकिन दूसरे ही क्षण वो इस विचार को मना कर देता है, डिनाइड यानी छोड़ देता है, त्याग देता है। क्यों, क्योंकि वो कह रहा है कि भगवान को मनुष्य के द्वारा कोई भी क्या है उपहार नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे हम भगवान को उपहार प्रस्तुत करते हैं, भेंट करते हैं, तो वो कह रहे हैं नहीं भगवान को नहीं चाहिए। जैसे हम भगवान को भोग लगाते हैं कभी, तो क्या भगवान कभी खाते हैं, नहीं खाते, उस भोग को कोई भगवान ग्रहण नहीं करता, या तो कोई चूहा आके खा जाता है, या फिर हम बाहर रख देते हैं दीवार वगैरह के ऊपर ताकि पक्षी वगैरह कोई खा ले, है ना। लेकिन हमारे अंदर एक श्रद्धा है,
हम सोचते हैं कि हम पहले भगवान को भोग लगाएं और फिर हम खाएं। तो वो कह रहा है इस विचार को दूसरे क्षण छोड़ देता है, त्याग देता है, कहता है नहीं नहीं डर, यानी हम ही से क्वेश्चन पुटअप कर रहा है। डर डर मतलब डर क्या, वो यानी भगवान एग्जैक्ट डे लेवर स्लाइड है। वो कह रहा है भगवान क्या इच्छा रखते हैं मनुष्य के काम की? नहीं रखते, कभी नहीं रखते। आई आई आया है यहाँ पे पोएट हिमसेल्फ के लिए, इसके लिए आया है पोएट हिमसेल्फ के लिए, कभी खुद के लिए आया है यहाँ पे पोएट हिमसेल्फ के लिए। फॉन्डली यानी हैप्पीली, फॉन्डली का मतलब क्या होता है हैप्पीली, आस यानी पूछना, कह रहा है खुशी खुशी तुम लोगों से रीडर से पाठकों से पूछ रहा हूँ कि क्या भगवान इच्छा रखते हैं, हम मनुष्य के द्वारा किए गए काम की इच्छा रखते हैं। बट पेशेंस टू प्रिवेंट, वो कह रहा है नहीं हमें धैर्य बना के रखना चाहिए, प्रिवेंट यानी अपने धैर्य को बनाए रखना चाहिए, क्योंकि भगवान कभी भी किसी मनुष्य से नाराज नहीं होते, वो ये इच्छा नहीं रखते हैं कि इस मनुष्य ने काम नहीं किया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है देखो स्टूडेंट्स कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो आप नेगेटिव थिंकिंग अपने दिमाग में लाओ कि नहीं भगवान कभी किसी को कोई पनिशमेंट नहीं देते। देखो उन्होंने इस संसार में हमें भेजा है, अब उनके द्वारा दिए गए कामों को हमें पूरा करना ये हमारा पहला कर्तव्य है, ठीक है। तो हमें करना चाहिए उनके द्वारा जो काम दिया गया है, जैसे हम पढ़ाए नहीं आप पढ़े नहीं तो ये गलत है, ठीक है। बट पेशेंस, पेशेंस यानी धैर्य टू प्रिवेंट, हमें धैर्य बना के रखना चाहिए। वो क्या कह रहा है देखो, वो अपने आप को क्या है हिम्मत, अपने आप में हिम्मत जुटा रहा है, जुटा के कह रहा है कि कोई बात नहीं। लेकिन देखो उसने इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसने ये कह दिया कि कोई बात नहीं जब मैं भगवान के समक्ष लौट के जाऊँगा तो वो मुझे कोई पनिशमेंट नहीं देंगे। लेकिन देखो उसने कहा है कि मेरे जीवन के क्या है 23 साल व्यतीत हुए हैं, आगे बताएगा मॉर्निंग 23rd बर्थडे में कि जीवन के 23 साल व्यतीत हुए हैं, मैंने कोई अच्छी कविता नहीं लिखी है भगवान के समक्ष, लेकिन अब उसने अंधे होने के बाद में ये कविताएं लिखी है। तो ऐसा तो नहीं है कि भगवान के द्वारा दिया गया काम जो था वो उसने नहीं किया, उसने किया अंधे होने के बाद में किया, लेकिन उसने क्यों पश्चाताप किया, इसलिए किया क्योंकि उसने पहले कोई अच्छी कविता नहीं लिखी, ठीक है ना, समझ गए। वो कहता है कि आधा जीवन व्यतीत हो गया, मैंने कोई अच्छी कविताएं भगवान के समक्ष नहीं लिखी, लेकिन अंधे होने के बाद में जब उसे अक्ल आती है ना, उसके अंदर विचार आते हैं तो वो पुनः शुरू करता है अंधा होने के बाद में और भगवान के समक्ष अच्छी अच्छी कविताएं लिखता है, ठीक है। तो एक बार फिर से बता देती हूँ, टू सर्व देयर विथ माय मेकर एंड प्रेजेंट माय ट्रू अकाउंट लिस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, यहाँ तक आपकी चाइल्ड तक, तो ये क्या है ऑक्टेव, ऑक्टेव है, ठीक है। और उसके बाद में सस्टेन होता हो जाता है क्योंकि यहाँ तक तो वो जीवन की परेशानियों से घिरा हुआ है। ऑक्टेव में यही तो बताया था कि इन ऑक्टेव द पोएट शोज अस द प्रॉब्लम्स ऑफ द लाइफ, जीवन के परेशानियों के बारे में हमें बताता है या अवगत करवाता है जिन परेशानियों से वो घिर चुका है। लेकिन आगे क्या हो जाता है सस्टेन हो जाता है, क्या हो जाता है सस्टेन हो जाती है आपकी पोएम, क्योंकि वो स्वयं ही कहता था ना द पोएट हिमसेल्फ सॉल्व्स द सेम प्रॉब्लम ऑफ लाइफ, क्योंकि सस्टेन में आते आते वो स्वयं ही उन परेशानियों का हल ढूंढ लेता है, ठीक है। तो ये आपकी क्या थी, हो गई ना सोनेट पोएम, ठीक है। अब चलो हम देखते हैं अपनी इसको इसको कि क्या अपनी राइमिंग स्कीम है। देखो एलिट्रेशन सिंगली तो कहीं मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, हाँ एलिट्रेशन है भले, पेशेंट टू प्रिवेंट, यहां लिखो कि पहला द पोएट यूजेस एलिट्रेशन, एलिट्रेशन द पोएट यूजेस एलिट्रेशन
क्या दिया, पेशेंस टू प्रिवेंट, पेशेंस टू प्रिवेंट, ठीक है। अब हम ढूंढते हैं राइमिंग स्कीम को, ढूंढते हैं पहले वाली लाइन में क्या है, प्रेजेंट, क्या है, प्रेजेंट, है ना। इसको हमने मान लिया ए, मान क्या मान लिया ए। सेकंड वाली लाइन में आपका है चाइल्ड, चाइल्ड, चाइल्ड का मतलब है डांटना पटवाना, चाइल्ड। तो क्या ये प्रेजेंट और चाइल्ड आपस में राइम कर रहे हैं, प्रेजेंट चाइल्ड, एक जैसे शब्द नहीं है, है ना। तो हमने इसको मान लिया बी, क्या मान लिया बी। अब थर्ड वाली लाइन पे आ जाओ, डक बोर्ड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड, डिनाइड इस वाले शब्द को लो, डिनाइड, चाइल्ड और डिनाइड एक जैसे राइम कर रहे हैं ना आपस में, चाइल्ड डिनाइड। तो ये दोबारा आपका हो गया बी हो गया, क्या हो गया बी। अब लास्ट वाली लाइन का लो, आई ओनली आस्क बट पेशेंस टू प्रिवेंट, प्रेजेंट प्रिवेंट, राइम कर रहे हैं आपस में, प्रेजेंट प्रिवेंट। तो ये आपका हो गया दोबारा ए, क्या हो गया ए, ठीक है। तो अब मैं थोड़ा सा ऊपर से मिटा के लिखती हूँ, क्योंकि नीचे पता नहीं आपको दिखाई देगा या नहीं, मैं यहाँ लिख देती हूँ आपका। राइमिंग स्कीम इज, राइमिंग, राइमिंग स्कीम इज, राइमिंग स्कीम इज क्या बना, राइमिंग स्कीम ए बी बी ए, ए बी बी ए। देखो शेक्सपियर वाले पोएम में बना था ए बी बना था, ए बी यानी पहली तीसरी लाइन के साथ में राइम कर रही थी और दूसरी लाइन फोर्थ लाइन के साथ में राइम कर रही थी। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ पहली लाइन चौथी लाइन के साथ में फोर्थ लाइन के साथ में राइम कर रही है और दूसरी तीसरी के साथ में राइम कर रही है। तो ये आपका राइमिंग स्कीम ढूंढने का तरीका है, ठीक है। तो गाइस यहीं पे अपन अपना लेक्चर आज समाप्त करते हैं। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल।